हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोशन वाला यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं एक और ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हो जाऊँ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में जो सी टेक्स्ट एनिमेशन होती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। जैसे कि इंग्लिश हम लिखते हैं तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिख होती है, तो उसको हम लोग लेफ्ट से राइट में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अरबिक होगी, उर्दू होगी और काफ़ी लैंग्वेजेस और भी है जो राइट से लिख होती है और लेफ्ट की तरफ आउट होती है एनिमेशन, तो हम उसको राइट से एनिमेशन किस तरह दे सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है ये एनिमेशन, ये आप देख सकते हैं। ये जस्ट सिंपल से एनिमेशन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो आफ्टर इफेक्ट्स आपने ओपन करना है, न्यू कंपोजिशन, ये मैंने एक PSD फाइल की हुई है, ये फोटोशॉप में मैंने एक टेक्स्ट लिखा था। तो आपने जस्ट इसमें जो सा आफ्टर इफेक्ट्स में टेक्स्ट उर्दू नहीं लिख होती वैसे, तो आप लोगों ने एक PSD फाइल फोटोशॉप में टेक्स्ट लिख कर उसको एक न्यू कंपोजिशन में डाल देना है। जैसे कि मेरे पास इसमें मैं आ जाता हूँ, मैं ये अभी डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पर, ये टेक्स्ट था किसी चीज़ के लिए मैंने लिखा था, तो सॉरी पीछे बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आ रहा हो शोर, तो आपने इसको एडिट राइट क्लिक करके क्रिएट एडिट कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट लिया, तो आपके ये से हो जाएगा। और आपने फिर जो भी टेक्स्ट हो वो दे देना है। मैं अभी जस्ट ये टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आपने इसको देख लेना है, आपने अभी इसके अंदर मैंने एक एनिमेशन दी हुई है। आपने जैसे ये जस्ट यहाँ से एक एनिमेट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास आ जाएगा एनिमेशन का ऑप्शन। या जस्ट आप लोग कोई भी यहाँ से आफ्टर इफेक्ट्स की जो प्रीसेट्स होती हैं, टेक्स्ट इन प्रीसेट, जस्ट ये तो वो है, हम लोग कोई और देख लेते हैं जो कि हाँ ये सही है। फिर भी ये देख सकते हैं कि ये लेफ्ट से है, तो हम इसका भी यू प्रेस करेंगे तो या तो हम पहले की फ्रेम पर जाकर ये एनिमेशन डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये शुरू से एनिमेशन आ जाए। तो अभी हमारे पास इसके की फ्रेम्स यहाँ पर आ गए हैं। तो आपने अभी जस्ट एक जो सिंपल सा है हमारा, इसमें आपने एनिमेशन में अर्न में आ जाना है, एडवांस में आ जाना है, और आपने इसका मोड को जस्ट एड से सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये खुद ही आपकी एनिमेशन फ़िलहाल उल्टी हो जाएगी, मगर आपने नहीं लेनी टेंशन। आपने सिर्फ ये यू प्रेस करके यहाँ पर पहले फ्रेम पर 100 कर देना है और दूसरे फ्रेम पर 0 कर देना है, तो आपकी एनिमेशन खुद ही इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारे लेफ्ट से राइट एनिमेशन होगी। तो उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें, और लॉन्ग ट्यूटोरियल भी, एनिमेशन पर भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाले ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।